हम देखते भैया कहाँ रह गए। सॉरी सॉरी, थोड़े से लेट हो गए हम, एक्सट्रीमली सॉरी। अब लोग मेले में खो जाते हैं, हमारे भैया मीटिंग में खो गए, वो भी सुबह सुबह वाली बगीचे वाली मीटिंग। गए तो शिवेंद्र भैया बन के थे, वापस आए डूड बन के। क्या बात है। अब हम ब्रेकफास्ट पर ध्यान दें जी। अभी दाई ब्रेकफास्ट सर्व किया जाए। मालिक साहब को सुबह ब्रेकफास्ट भेजा था, उन्होंने वापस भिजवा दिया और अपनी पसंद का ये ब्रेकफास्ट बनवाया है। जी हमने ही कहा था, बहुत सुना है इस डेलिकेसी के बारे में। अपेरेंटली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स, तो हम ट्राई करना चाहते थे। अब यू नो इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको बताता हूं। ये चाय ले लेते हैं और फिर ये लड्डू लेना है आपको और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय में मोतीचूर की लड्डू को डुबाइएगा। ऐसे बीच में से तोड़ना में डुबोना और खा जाइए। मक्खन क्या? मैं कह रहा था कि बहुत ही टेस्टी, आई थिंक यू गाइस शुड ट्राई इट, इट्स यमी। ट्राई इट, या तोड़ के डुबा देना है। यस ओके। ये क्या हो गया भैया? माय सन, ओटमील पे तो बैन लगा देना चाहिए। टेस्टी भैया, ये डेलिकेसी तो कमाल की है। वैसे कहाँ की है भैया? ये आप अकेले अकेले खाएंगे या हमें भी देंगे? प्लीज वापस दीजिए। ये नहीं देने वाले हम। ठीक है अमिताई, एक काम कीजिए, ये रैप्स लेके जाइए और मोतीचूर के लड्डू भेजिए। जी आज मोतीचूर के लड्डू जीत गए घास फूस से। मां आप भी ट्राई कीजिए ना। हमें याद नहीं है कि कब
ब्रेकफास्ट के लिए इस महल में कुछ और सर्व किया गया। हमें बदलाव पसंद नहीं है। आप लोग एंजॉय करिए, हमें थोड़ी थकावट महसूस हो रही है, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। अंबिताई, माँ का नाश्ता कमरे में भेज दीजिए। जी। एक काम करते हैं, साथ में एक सेल्फी ले लेते हैं विद लड्डू। या कम कम कम। आज शिवेंद्र की हालत देखकर हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली बार हमारे डाइनिंग टेबल पर हमारी इजाजत के बिना कुछ नहीं परोसा जाएगा, ठीक है? जी रानी साहब। सर आप प्लीज खुद ही सोचिए ना, जब ये दोनों अलग हो चुके तो साशा क्यों उसे बचाएगी? सर हम लोग तो खुद ही कह रहे कि वो गुंडा है, उसे अरेस्ट कीजिए। सर प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। मैडम, जब तक ये लड़की उगलेगी नहीं कि इसका नवरा मंजे इसका हस्बैंड कुटे आ है, तब तक ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। सर लास्ट टाइम मोंटी को मैंने ही देखा था, जो भी पूछताछ करना है मुझसे पूछिए ना, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दीजिए प्लीज सर, प्लीज प्लीज। देखिए मैडम, कानून सबसे पहला हक बीबी को देता है कि वो अपने पति के बारे में हमें बताए, वरना आप भी तो यहाँ से नहीं जा सकोगे। अभी हमें अपना काम करने दीजिए, बहुत प्रेशर है मैडम। जिस पे अटैक हुआ है ना, वो मेरा या आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, बारोत फैमिली का सबसे बड़ा राजकुमार है। चला चला, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, जाता था चला। हेलो बंदेश, हमें एक अर्जेंट मदद चाहिए आपसे। जी सर। सर शासा मी का ही मनतो है, जितना जल्दी आप मोंटी के बारे में हमें बताओगे ना, उतना ही जल्दी आप अपना घर जा पाओगे और अपने बच्चे से भी मिलोगे। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। इनफैक्ट आप जब हमारे घर से गए थे, हमने सारे कॉमन फ्रेंड्स को कॉल करके पूछा कि कुछ भी न्यूज मिले तो हमें इन्फॉर्म करे। सर हम खुद नहीं चाहते कि वो ऐसे खुला घूमे और लोगों को मारता फिरे। कप्पा बस, सब कुछ जानता हूं मैं तुम लोगों के बारे में, तुम्हारे तरीके के बारे में भी। कहने के लिए तीन लेडीज लोग इतना बड़ा कैफे चला रहे हैं, साउथ मुंबई में ऐश कर रहे हैं, ये सब कुछ कैसे हो रहा है सब पता है मुझे। एक बात याद रखना, जब तक मोंटी पकड़ा नहीं जाता तब तक हम आपको छोड़ने वाला नहीं। मुझे जो करना है कर लो, समझ लगा? हाँ सिंह। सिल्ली, साशा को छुड़वाया तूने? वो ठीक तो है ना? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। नहीं मासी, मैं यहीं पे हूँ, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। सिल्ली, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ कुछ भी बात हो ना बता देना, अपना ध्यान रखें। दिया, ये क्या हाल बना रखा है, तू ठीक है? है? क्या हुआ है बेटा? क्या बात है, कैसी ऐसी हालत में क्यों आई है? मैम इसने क्लास में बच्चों के साथ झगड़ा किया और पूरे रास्ते रोते हुए आई है ये। क्या हुआ बच्चा है, आप इतना रोए क्यों? बोल बेटा क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? कदम सर आप एक प्लीज कुछ कीजिए ना, आप तो जानते हैं ना कि हम ऐसे नहीं है, प्लीज कुछ कीजिए प्लीज सर। मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ सुरेले, मैं तुमको पहले ही बोला था कि वो मोंटी बुरी खबर है, दूर रहने का। देखो अब ऑर्डर ऊपर से है और शिंदे साहब भी मजबूर है, प्रेशर आए,
मुझे लगता है कि मॉन्टी के बारे में जब तक कोई लीड नहीं मिलती साशा को नहीं छोड़ पाएंगे। सॉरी। कुछ अर्जेंट काम आ गया है, टॉक टू यू लेटर। जैन सर, सर कमिश्नर साहब का फोन है। काय बोलतो? जैन सर, सर यस सर, हाँ कॉल वहीं से आया था, मैं करता हूँ सर। जैन सर कदम सर तेला सोड़ रहे? अरे शासाला सोड़। सर सर सच में थैंक यू सो मच सर। भाई मूर्खता चल रहा है, किसी का फोन आता है बोलता है कि पकड़ लो, दूसरे कॉल पे बोलते हैं कि उसे छोड़ दो। हम लोग अपना ड्यूटी यहाँ बजा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो फोन कॉल खेल रहे हैं। बाबा जी का लाख लाख शुक्र है, थैंक यू, सब ठीक हो गया। वो मैडम जमीन पे रहने का, ज्यादा ऊपर उड़ने का नहीं। शिवेंद्र बारूद ने गारंटी दी है खुद, और इस केस में इससे बढ़कर गारंटी हो ही नहीं सकती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।